हाय फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान से देखिए इस पोस्टर को। साउथ फिल्मों का ऐसा असर पड़ा है बॉलीवुड पर कि अब ये अकेला पोस्टर ही बॉलीवुड के पसीने छुड़ा रहा है। इस फिल्म का नाम है 1770। अभी तक ना तो इस फिल्म की कोई स्टार कास्ट तय हुई है, ना ही मेन लीड हीरो, पर सिर्फ फिल्म की कहानी के नाम पर जो क्रेजियस बस बना हुआ है इस फिल्म का, उसकी बात ही कुछ और है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। फिल्म की कहानी को लेकर एक अनोखा और अलग ही माहौल बन गया है और इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं राजा मौली के असिस्टेंट रह चुके अश्विन गंगा राजू। पर आपको ये बता दे, अश्विन गंगा राजू क्योंकि ये एसएस राजा मौली के असिस्टेंट रह चुके हैं, ये फिल्म के सुर्खियां बटोरने की वजह नहीं है। इस फिल्म की हाईलाइट इसका अलग कॉन्टेंट है। इस फिल्म की कहानी एसएस राजा मौली के पिता के विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है और इन्होंने ही बाहुबली की कहानी भी लिखी थी। 1770 की ये कहानी एक पीरियड ड्रामा है जो कि अंग्रेजों के समय हुए सन्यासी विद्रोह पर बेस्ड है। ऐसा बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में भारतीय सन्यासियों का एक पूरा गिरोह अंग्रेजों के खिलाफ जंग में कूद पड़ा था। ये वो सन्यासी हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपना परिवार, घर बार, सब कुछ छोड़ दिया था और सन्यास ले लिया था। लेकिन जब इन्होंने हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का जुल्म देखा तो फिर संन्यास छोड़कर ये उनके लिए उनका काल बनकर उनके सामने आ खड़े हुए। उस वक्त के सन्यासियों और साधुओं ने अंग्रेजों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि इनके नाम से ही अंग्रेज धर धर कांपने लगते थे। उस वक्त के सन्यासी और साधु जब अपनी तलवारों और भालों के साथ इन अंग्रेजों के सामने जाते थे तो अंग्रेजों की आंखों में खौफ उतर आता था। साधुओं की इसी फ्रीडम फाइट पर बंगाल के मशहूर लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। इस आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम का भी जिक्र है। जब सन्यासी अंग्रेजों को धूल चटाने से पहले भारत माता की आराधना करते हैं, इसी फेमस आनंद मठ उपन्यास पर फिल्म 1770 लिखी गई है। इस फिल्म का बजट और स्केल काफी बड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि ये फिल्म बाहुबली से भी बड़ी बन सकती है या फिर उसके टक्कर के। में सन्यासियों का मठ दिखाया जाएगा और ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासियों ने रणनीति बनाकर उनके साथ युद्ध किया और हर एक युद्ध में अंग्रेजों को धूल चटा दी, किस तरह से सन्यासियों ने अपने देश और धर्म की रक्षा की। एक पैन इंडिया फिल्म है जो एक साथ 6 भाषाओं में बनाई जाएगी। हिंदी के अलावा ये फिल्म मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली में भी आएगी। इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम इस साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। उसके बाद शुरू होगी फिल्म की कास्टिंग, जिसके बाद धीरे धीरे फिल्म का हर एक रोल सामने आएगा कि कौन किस रोल में है। इस फिल्म का कंटेंट एक ऐसा अलग कंटेंट है जिसे सुनकर काफ़ी ज़बरदस्त बस क्रिएट हो गया है और अब ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए काफ़ी बेसब्र है। पोस्टर के आते ही बॉलीवुड में भी आग लग गई है। फिल्म का कंटेंट सुनकर बुरा हाल है बॉलीवुड का। अब देखते हैं कि ये फिल्म बॉलीवुड को और क्या धूल चटाती है। फिलहाल इस फिल्म का कंटेंट सुनकर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। और भी ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।